मैं बहुत बचपन में जब कॉलेज में था तो मनाली में आया था, तो रोहतांग पास जाने के लिए ऊपर गया था तो 3.5-4 घंटे लगे थे। अब हमने टनल बनाई अटल, 8 मिनट में जाते हैं। मुझे याद है मैं 5 साल पहले इसी क्षेत्र में आया था, और मुझे ये भी याद है कि उस समय जीतराम जी ने पानी के बारे में अपनी व्यथा मुझे बताई थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि आजू बाजू में पानी ही पानी है, ऊपर में पानी है, सब जगह पानी है, पर बिलासपुर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसका दुख और दर्द हो रहा था। बहनों और भाइयों, इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, अनेक राज्यों में कांग्रेस के करीब 1970 से पहले से पानी के झगड़े और विवाद चल रहे थे। हिमाचल के प्रकल्प जो थे उसकी कीमतें बढ़ गई थी। जयराम जी मेरे पास आते थे, अटके हुए रहते थे। कश्मीर और पंजाब के बीच में झगड़ा, पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़ा, पूरे देश में 23 ऐसे झगड़े चल रहे थे राज्यों में, जिसके कारण पानी समुद्र में बह रहा था पर पानी के झगड़े निपट नहीं रहे थे। मुझे याद है मैंने हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया, मेरे ऑफिस में बुलाता था, और मैं कहता था मजाक में कि दरवाजा बंद कर दिया है, जब तक आप सहमति नहीं करोगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और 23 में से 17 झगड़े निपटे, और हिमाचल के भी अनेक प्रकल्प जिसके लिए भारत सरकार का 90% सहयोग चाहिए था, बिजली प्रकल्प और उसके साथ साथ पानी को रोकने के प्रकल्प को, वो प्रकल्प पूरे हुए। दिल्ली को भी पानी मिला, अब राजस्थान तक भी पानी जा रहा है, और काफी समस्याओं को सुलझाने में हमारी सरकार यशस्वी हुई। 2014 में नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, और मुझे इस बात का बड़ा दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि लोग क्या मांगते हैं। 1947 से लेकर हिमाचल के लोग यही मांग रहे हैं कि हमें पुल चाहिए, हमें रोड चाहिए। अब स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने के बाद में भी हमें फिर से यही कहना पड़ता है कि पुल चाहिए, रोड चाहिए, ये कौन सी स्थिति है। मुझे लगता है ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर पहले से अगर अच्छी तरीके से काम हो जाता तो शायद ये स्थिति जीतराम जी पर नहीं आती। पानी के लिए कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक थी, 1947 के बाद 65 साल कांग्रेस पार्टी को शासन चलाने का मौका मिला, पर रोड की हालत कैसी थी। और 7 साल में पहले उनके राज में 2 किलोमीटर रोड बनते थे, अब हम 40 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। हमारे हमारे विभाग ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए इस साल में, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम दुनिया के नंबर 2 में हाईवे में, हमारा जो लेंथ है रोड की वो वर्ल्ड में दूसरी नंबर पर है। और इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पर डे किलोमीटर बनाने वाला दुनिया का अगर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है, इस बात का हमको गौरव है। पर मैं जीतराम जी को बताऊंगा, अभी जितना हुआ उतने ही आप भी खुश हो गए, जनता भी खुश हुई, अरे ये तो ट्रेलर ही था, असली फिल्म शुरू होना ही है। यह आपके पानी की समस्या सुलझाई गई, ये चंडीगढ़ से, तीरथपुर से ये रोड बन रहा है, इसका श्रेय मुझे नहीं है जीतराम जी, इसका श्रेय आपको भी नहीं है।
इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को हो तो यहां सामने बैठी हुई जनता को है। अगर ये जनता लोकसभा में हमारे ठाकुर जी को चुनकर नहीं देती और विधानसभा में आपको चुनकर नहीं देती और आप अगर विधायक नहीं बनते और भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो मैं मंत्री कहां से बनता, अगर मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होता। ये ताकत आपने दी है और आपने दी हुई ताकत के कारण, जो मेरे कलम में ताकत दी उसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम आपका काम कर सके। देखिए ये देव भूमि है, ये सुंदर भूमि है, इस भूमि को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कभी कभी आज मैं नागपुर से आया, तुम्हारे यहां ठंड होती है हमारे यहां गर्म होती है। सुबह उठ गया तो पत्नी को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैंने अपना व्यायाम किया, आया जल्दी जल्दी निकला और फिर ध्यान में आया कि अरे मैं तो हिमाचल में जा रहा हूं, कॉटन का शर्ट पहन के, अब ठंड होगी, अब कैसे होगा। हमारे यहां गर्मी होती है 47 डिग्री, सूरज बहुत थकता है और आपके यहां ठंड होती है। पर मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश का सौंदर्य देखने के लिए दुनिया के लोग यहां आते हैं और इस क्षेत्र का विकास करने का संकल्प हमने किया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि विकास के लिए चार बातें जरूरी होती है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपके पास बिजली की कमी नहीं है, हाइड्रो पावर है। मुझे याद है जयराम जी ठाकुर और अपने उनके चीफ सेक्रेटरी मेरे पास आए, मैं यही अपना मनाली में आया था तो मैंने कहा जयराम जी को कितने रोपवे चाहिए, कितनी केबल कार चाहिए, फेनाकुरल चाहिए, बताओ मैं सब मंजूर कर देता हूं, तुम्हारे में जितना दम होगा उतना मांग लो, पूरा दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि पर केवल एक बात मैं आपको कहूंगा, तुम्हारी बिजली है 5 साल के लिए बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट 2 रुपए यूनिट कम कर दो, ये हाइड्रो पावर यहां बनती है आपके पास पावर की 10 साल के लिए दे दो, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा और आपको सब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर, रेलवे, ये हवा में चलने वाली 100-100 लोग बैठे हुई ये बस चला दूंगा। मैं भी बंगलोर में हवा में चलने वाली 200 लोग बैठने वाली डबल डेकर बस चलाने वाला हूं और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो झूठ बात करता है, जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैंने कहा था कि दिल्ली से मुंबई इस साल दिसंबर के बाद 12 घंटे में जाएंगे, देखो हो जाएगा रास्ता 70% पूरा हुआ। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो जाएगा, इस साल दिसंबर में हो जाएगा रास्ता पूरा। दिसंबर चंडीगढ़ से मनाली तक का भी रास्ता तीरथपुर वाला वो भी पूरा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दिल्ली से कब आए और कब निकले। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में प्रवास हो रहा है। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और इतना ही नहीं तो श्रीनगर से मैंने एक छेड़मोर टनल बनाई और अब एशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला जो बन रही है 50% काम पूरा हो गया है और वो जोजिला टनल से लद्दाख और लेह पहुंचते हुए मैं 4 टनल बना रहा हूं और वहां से लद्दाख और लेह से मनाली आएंगे। और आपने मनाली में देखा होगा, मैं बहुत बचपन में जब कॉलेज में था तो मनाली में आया था,
तो रोहतांग पास जाने के लिए ऊपर गया था तो 3.5-4 घंटे लगे थे, अब हमने टनल बनाई अटल, 8 मिनट में जाते हैं। आप गए होंगे उसमें, 8 और 9 मिनट में होता है। अब उस टनल से बाहर निकलकर लद्दाख से लेह, लेह से श्रीनगर, ये पूरी टनल बन रही है, ये पूरा हिमालय सुंदर पर्यटन के लिए खुल जाएगा। श्रीनगर से कटरा के पहले जम्मू श्रीनगर रोड से डायरेक्ट दिल्ली से कटरा रोड को कट हो जाएगा और 7 घंटे में 6 घंटे में वहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। और मुंबई के पहले सूरत से अहमदाबाद, अहमदनगर, नासिक, नासिक से अहमदनगर, नया रोड बन रहा है, और अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, पूरा साउथ इंडिया में पहुंचने के लिए मार्ग खुला हो जाएगा। जो अटल टनल से निकलेंगे तो आप कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब पहुंच गए। ये देश बदल रहा है। और एक बात जरूरी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। बहनों और भाइयों, हिमाचल के रास्ते अच्छे बनेंगे, अच्छी टनल बनेंगी, अच्छे ब्रिज बनेंगे, हिमाचल में पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा और हिमाचल सुखी और समृद्ध और संपन्न बनेगा। केवल देव की भूमि नहीं तो देव की समृद्ध संपन्न भूमि करके हिमाचल देश में आगे जाएगा, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे काम कर रही है। मैं आज यहां आते हुए मुझे मालूम था कि जीतराम जी मुझे ये मांग करने वाले हैं, तो पहले ही घोषणा कर देता हूं, क्या बगाचल, कालो, शाह, तलई और क्या है बदरा, बड़सर, धनतरा, ये जो हाईवे है इसको मैंने आने के पहले ही मंजूरी दे दी है और मार्च महीने में मैं दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तब इसका भी भूमि पूजन करने के लिए आऊंगा। जो घुमविन और बर्तीन और सात अले इसका है, ये MDR है, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं जीतराम जी को आश्वासन देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जो नए भाजपा की सरकार पक्की आएगी उनके साथ बैठूंगा, मार्ग निकालूंगा, CRF में इसके लिए कुछ पैसे देने कर आपके लिए जरूर राहत देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, ये वचन देता हूं। ये जरीपटन टू स्वारघाट रोपवे का प्रोजेक्ट है, मेरे पास राज्य सरकार से प्रस्ताव भेज दो, ये भी काम मैं कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मैंने जो हिमाचल में और आपके इसमें 36 किलोमीटर लंबाई की 5 रोपवे को ऑलरेडी मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले में हिमानी से चामुंडा तक रोपवे 6.5 किलोमीटर 423 करोड़, कुल्लू से बिजली महादेव 2.8 किलोमीटर 233 करोड़, बिलासपुर जिले में लोहू से बंदला तक रोपवे 3 किलोमीटर 200 करोड़, सिरमौर जिले में शिरगुल महादेव मंदिर से चूड़ाधर रोपवे का निर्माण 10.2 किलोमीटर 816 करोड़, पालमपुर जिले में थात्री से छुंजा गेलिशियर रोपवे का निर्माण 13.5 किलोमीटर 1100 करोड़, ये 5 को मैंने मंजूरी दे दी है और इसके काम को भी भूमि पूजन के लिए मैं जब आऊंगा तो जल्दी उसकी भी शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मैं काफी टनल बना रहा हूं, मैं 2 लाख करोड़ के रोड हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि 47 के बाद जितना काम नहीं हुआ है
2014 से लेकर 2024 में इस 75 साल में जो 65 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 साल में उससे ज्यादा काम हिमाचल में होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। ये हिमाचल में हम 9000 करोड़ की 41 किलोमीटर की 36 टनल बना रहे हैं। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में 2 लेन ट्विन ट्यूब सुरंग मार्ग, ये 1800 मीटर का है, 560 करोड़ की। बिलासपुर जिले में मेला थापना में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग मार्ग 465 किलोमीटर 60 करोड़ की। बिलासपुर जिले में टुन्नुपड़ा में 550 मीटर 70 करोड़ की 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग। बिलासपुर जिले में मल्लावाड़ में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग 162 करोड़। मंडी जिले में भवानी मंडी में 2 लेन सिंगल ट्यूब सुरंग 740 मीटर 94 करोड़। मंडी बाईपास एवं महिला गांव 2 लेन ट्विन सुरंग 1300 मीटर। मंडी जिले के हटौन में 2 लेन 384 मीटर 84 करोड़ की। मंडी जिले में पंडो में 2 लेन ये 740 करोड़ की। मंडी जिले के हनोनी में 3 ट्विन सुरंग ये 1000 करोड़ की। मंडी जिले में थलोट में 2 लेन सिंगल ट्यूब टनल ये 1400 मीटर की 300 करोड़ की। मंडी जिले में शिमला में कंडा घाट में बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, और मैं आपको बताता हूं कि 6 महीने में ये कम से कम टनल टोटल जो है इसमें आपके कांगड़ा जिले में कोटुला में, कांगड़ा जिले में गग्गल में, कांगड़ा जिले में समेला में, शिमला में शुंगुल में, शिमला में रंगदाव में, शिमला में मेयोग में, शिमला जिले के चलोटी में, मंडी जिले की परो में, शिमला जिले में लंबीदार में, बिजनियरदा में, शालाघाट में, मंडी जिले के, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं ऐसी ऐसी टनल बना दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब निकले और कब पहुंच गए। आप कभी मुंबई आते होंगे, मैं महाराष्ट्र में 95 में मंत्री था तो मुंबई से पुणे आने के लिए हमारे यहाँ 9 घंटे लगते थे। तो मैंने पहला हाईवे बनाया देश का एक्सप्रेस हाईवे, तो 9 घंटे के बजाय 2 घंटे में होता है। मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया है, और जो समुंदर में देखते हैं ना आप टीवी में वर्ली बांद्रा सीलिंग, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो लोगों का विश्वास ही नहीं होता था। अभी मैं उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी गया था, वो मुझे बता रहे थे, नितिन जी रोज दिल्ली से 12 फ्लाइट देहरादून में आती है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने अपने भाषण में कहा, मुख्यमंत्री जी चिंता मत करना, इस बार दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी, सब टूरिस्ट गाड़ी से आएंगे, क्योंकि 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। वहां दिल्ली से घर से जाना, एयरपोर्ट जाना 1 घंटा, एयरपोर्ट पर रुकना 1 घंटा, आने के लिए 1.5 घंटा, उतरने के बाद घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लग गए। उसके बजाय तो दिल्ली से 2 घंटे में घर चले जाएंगे, तो आएंगे नहीं कोई। हिमाचल में भी यही परिस्थिति बदलेगी। कांगड़ा से बिलासपुर, चक्की पंजाब से मंडी तक, जसूर नूरपुर शाहपुर पालमपुर बैद्यनाथ मंडी तक मैं 7000 करोड़ रुपए का रोड बना रहा हूं, 7000 करोड़ का, 200 किलोमीटर, 9 पैकेज में है, कभी 4 लेन है 2 लेन है, 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन है, और 97 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर है, और 32 किलोमीटर ग्रीन फील्ड है, नया है, तो इससे काफी डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जिले के भी काफी अच्छे रोड बन रहे हैं। मुझे पता है कि विशेष रूप से काम करने में काफी अड़चन आती है, क्योंकि रोड बड़ा करना है तो रोड के बाजू में आप लोगों ने घर बना के रखे हैं, अब एक्विजिशन करना पड़ता है, लोग बोलते हैं हमारा घर मत लो, घर मत नहीं तो रोड हवा में थोड़े बनाया जाएगा, तो ये कभी कभी समस्या आती है। पर ये पैकेज में चक्की से बेड़कड़, बेड़कड़ से सिवनी, सिवनी से राजौल, राजौल से थानपुरी, थानपुरी से परोर, परोर से चौतरा, चौतरा से पदार, ये ग्रीन फील्ड है 34 किलोमीटर, ये नया रोड है, और फिर पदार से मंडी, और मंडी शहर को बायपास करने में बिजनी में भी एक टनल का निर्माण किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी होगा। दूसरा कांगड़ा से रानीताल,
शिमला मटोर मार्ग 1323 करोड़ का है, ये भी काम नवंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसके साथ में हमीरपुर से रानीताल, ये हमीरपुर से कांगड़ा से रानीताल तक 1200 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर डो लेन पेव शोल्डर का मार्ग कर रहे हैं। 6 किलोमीटर का ज्वालामुखी बाईपास, 2.5 किलोमीटर का नदौन बाईपास, हमीरपुर बाईपास, चीलबल के पास भांगबार में 800 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर दो लेन पेव शोल्डर का काम चल रहा है। शिमला से मटोर कांगड़ा की दूरी 41 किलोमीटर कम हो जाएगी और अभी 7 घंटे का समय लगता है, वो केवल 2.75 घंटे में प्रवास हो जाएगा। 5 जिलों में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोड है जिसका जिक्र मैंने किया था, चंडीगढ़ से कुल्लू, मनाली, लेह कनेक्टिविटी। ये पर्यटन के लिए हिमाचल की पूरे तस्वीर को बदल देगा। ये चंडीगढ़ से मनाली होकर लेह तक जाएगा। किरतपुर पंजाब से नेरचुक मंडी, ये 3000 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर का मार्ग 2023 तक पूरा हो जाएगा। 280 करोड़ की लागत से 30.6 किलोमीटर चार लेन ब्राउन फील्ड मार्ग ये 2022 में पूरा हो जाएगा। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि बिलासपुर जिले के गाड़मोरा से जरोल तक 2100 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर का चार लेन ग्रीनफील्ड मार्ग ये भी 2023 में बन जाएगा। और ये ग्रीनफील्ड मार्ग से महला, थापना, पुन्नू, मल्लावर, बवाना में टनेल बनाया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड मार्ग से किरतपुर से नेरचौक के बीच 36 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और 2 घंटे का समय बच जाएगा और बिलासपुर से हमीरपुर आने जाने के लिए आधा घंटा बच जाएगा। मंडी से कुल्लू, नेरचौक से पंडो तक 900 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर की चार लेन का मार्ग निर्माण अगस्त 2023 में पूरा हो जाएगा। पंडोली से तकोली तक 2600 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर फोर लेन का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। तकोली से कुल्लू तक 1300 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर चार लेन सड़क का काम जुलाई 2022 में पूरा होगा। और कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के राइट में 37 किलोमीटर का पुराना मार्ग है, इस पर्यटन क्षेत्र में ब्यास नदी के लेफ्ट की तरफ से 37 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जाएगा। कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना होगा, इससे ट्रैफिक समस्या हल होगी। मेरा विश्वास है कि लद्दाख, लेह और हिमाचल के बीच में बाराचाला सुरंग, फिर लाचुंग दर्रे पर सुरंग, फिर तंगलांग दर्रे पर सुरंग, फिर फातुला सुरंग लद्दाख में, नमकीला पास सुरंग, शिकुनला दर्रे सुरंग और साधना पास सुरंग, ये करीब 40,000 करोड़ हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं जिससे पूरे हिमाचल का पर्यटन बढ़ेगा और आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है, जो जो काम हो रहे बताने के लिए और टाइम लगेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैंने संकल्प किया है कि पेट्रोल और डीजल को देश से हद्दपार करना है। मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई है, इस देश का किसान पेट्रोल और डीजल का पर्याय दे रहा है। अब हमारा इथेनॉल आया है, मैंने इथेनॉल पर 100% चलने वाली बाइक, स्कूटर, बजाज, टीवीएस, हीरो की आई है। नई सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि हिमाचल में अब इलेक्ट्रिक के स्कूटर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी, आधा पैसा बच जाएगा और हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी, अब मैं अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक सस्ती है, आपके ये झीलों में हाइड्रो पावर बिजली तैयार होगी और उस बिजली से हिमाचल के किसानों के, पंजाब के किसानों के ट्रक चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, बसें चलेगी, ट्रक चलेगी, रोपवे चलेगी, केबल कार चलेगी, फेराकुलर रेलवे चलेगी। मैं अब लद्दाख और लेह में 30 जगह पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे बना रहा हूं। मैं बाद में हिमाचल में भी हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड नहीं, ओके, वो फेनाकुलर रेलवे बनाकर आपको पहुंचाने का काम करके दूंगा। और आप याद रखना, आना और बात करना और फिर भाग जाना और फोकनाड़ मारना, ऐसा नेता मैं नहीं हूं।
जो पत्रकार बैठे हैं सब मेरी बातों को लिख लेना और रिकॉर्ड कर लेना। आज तक 8 साल में मुझे कोई सवाल उठाने वाला एक पत्रकार नहीं मिला कि आपने बोला था और हुआ क्यों नहीं। जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे, और हिंदुस्तान को हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और नंबर एक का देश बनेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, और उसके बाद मैं। हम दो चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा संस्कार है। यह हिमाचल केवल देवों की भूमि नहीं है, यह वीरों की भूमि है। हमारे देश की रक्षा करने वाले और बलिदान करने वाले हमारे फौज में अनेक भाई इस देश को, इस हिमाचल की देवभूमि ने दिए। मेरे सामने ऐसे शूर जवान आज मेरे सामने बैठे हैं, हमें उनके ऊपर गौरव है। हम विस्तारवादी नहीं है, हम किसी देश के भूमि को हड़पना नहीं चाहते, पर एक बात सच है कि दुर्बल आदमी शांति और अहिंसा प्रस्थापित नहीं कर सकता। जो सामर्थ्यवान होता है, जो ताकतवान होता है, वही शांति प्रस्थापित कर सकता है। हमें सामर्थ्यशील बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, और युवाओं के हाथों को रोजगार देना है, और सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली चौपेर विकास का हिंदुस्तान का निर्माण करना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है, और यही पार्टी का हमारा कार्य है। और इसलिए ये काम सालों साल चलने वाला है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए कर सके कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमको प्रेम दिया, आपने हमको शुभकामनाएं दी, इसके कारण ही हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। पर जैसे मैंने पहले कहा था कि जो जो अपेक्षाएं पूरी हुई वो तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। और अगर फिल्म अगर देखनी है तो जीतराम जी को जिताना आवश्यक है। मैं 5 साल पहले आया था, जो मैंने कहा वो मैंने पूरा किया। आज मैं आ रहा हूं, फिर से मार्च में आऊंगा। जीतराम जी जरूर मुझे बताना काम पूरा हुआ तो, फिर आऊंगा, दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तीर्थपुर के रास्ते का उद्घाटन करूंगा, और निश्चित रूप से आपने आज जो बताया उस काम का भी भूमि पूजन करूंगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो ताकत हमको काम करने की, हमारी कलम में जो ताकत दी है, वो बहनों और भाइयों आपने कमल पर मोहर लगाकर ये ताकत आपने हमको दी है। आपका ये प्रेम, आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जीतराम जी के साथ रखकर इस चुनाव में पिछले बार 5,000 वोटों से आपने जिताया था, पर हमने पूरे वादे पूरे किए। अब 5,000 से 3 गुना ज्यादा वोट देकर उनको जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़कर मैं जा रहा हूं। कमल के फूल पर मोहर लगाइए, जीतराम जी को जिताइए, हिमाचल की तस्वीर को बदल दीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की नंबर एक की महाशक्ति बनाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।